good morning students this is miss nikta your english teacher today we are going to start our next chapter that talks about everything is possible Anjali's पेरेंट्स हैड मूव्ड to जूनागढ़ अ मंथ अगो पिछले महीने अंजलि अपने पेरेंट्स के साथ जूनागढ़ शिफ्ट हुई है हर फादर वॉज़ कमिश्नर एंड हर मदर वर्कड इन बैंक उसके पापा सिटी के कमिश्नर हैं और उसकी मम्मी बैंक में काम करती है अंजली वॉज ईगो टू जॉइन हर न्यू स्कूल अंजली अपने नए स्कूल में ज्वाइन करने के लिए काफ़ी उत्सुक है शी लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स उसे स्टोरी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है इन द आफ्टरनून रघु राम द गार्डनर हैड ब्रॉट सम फ्रेश मैंगोज़ दोपहर में रघु राम जो कि वहाँ का गार्डनर है वो उन लोगों के लिए फ्रेश मैंगोज़ लाए अंजलि लव टू तो ईट दोज जूसी मैंगोज़ अंजली को आम बहुत पसंद है

अंजलि ने पिंकी को बुलाया ताकि वो उसके साथ खेल सके सुन दे बिकेम वेरी गुड फ्रेंड्स बहुत जल्द ही वो वो लोग काफ़ी अच्छी सहेलियाँ बन गई थी वन डे वन अंजलि आस्ड हर अबाउट हर स्टडीज़ एंड स्कूल एक दिन जब अंजलि ने पिंकी से उसके पढ़ाई और स्कूल के बारे में पूछा शी रैन अवे फ्रॉम देयर वो वहाँ से भाग गई बिकॉज शी नेवर वेंट टू स्कूल एंड डोंट नो हाउ टू रीड एंड राइट क्योंकि वो कभी स्कूल नहीं गई और उसे पढ़ना या लिखना नहीं आता था अंजली एंड हर मदर वॉकिंग टू पिंकीज हाउस एक दिन अंजलि और उसकी माँ पिंकी के घर की तरफ जा रही थी अंजली सॉ अ हॉर्डिंग ऑन विच इट वॉज रिटन ईच वन टीच वन तभी अंजलि ने एक होर्डिंग देखा जिस पर लिखा हुआ था ईच वन टीच वन हर मदर सेट दैट इट मीन्स उसकी माँ ने उसे बताया एवरी पर्सन कैन हेल्प अनदर पर्सन टू रीड एंड राइट हर एक इंसान को दूसरे इंसान की हेल्प करनी चाहिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़ लिख सके दे रीच द आउट हाउस एंड पिंकी टोल दैम एवरी थिंग वो आउट हाउस पहुँच गए जहाँ पिंकी रहती थी और पिंकी ने उन्हें सब कुछ बताया अंजलिज मदर सेट अंजली की माँ ने कहा नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इफ़ यू सेट योर माइंड टू इट इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर तुम उस बात को ठान लो तो एट दैट टाइम अंजली हैड डिसाइडेड दैट आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल शी विल हेल्प पिंकी विद हर स्टडीज़ उसी समय अंजलि ने ये डिसाइड किया कि जब वो स्कूल से लौटेगी तो वो तो वो पिंकी की हेल्प करेगी उसकी पढ़ाई लिखाई में पिंकी वाज अनस्टॉपेबल एंड हार्ड वर्किंग गर्ल पिंकी एक हार्ड वर्किंग गर्ल लड़की थी एंड स्लोली स्टार्टेड टू रीड ऑन हर ओन और बहुत जल्द ही वो खुद से पढ़ने लिखने भी लग गई थी अंजलि आस्ट हर मदर टू इंक्वायर्ड एंड हर स्कूल वॉज रेडी टू एडमिट हर अंजलि ने अपनी माँ से मदद मांगी कि माँ स्कूल में जाके पता करे अगर पिंकी का एडमिशन स्कूल में हो सके तो अंजलि की मम्मी स्कूल गई उसने स्कूल के प्रिंसिपल से बात की और प्रिंसिपल उन्हें एडमिट करने के लिए रेडी हो गए दे वॉज़ वेरी हैप्पी वो काफ़ी खुश थे द टू गर्ल्स सैंग अ कोर्स एवरीथिंग इज पॉसिबल ये दोनों लड़कियाँ काफ़ी खुश हो गई और एक साथ गाने लगीं एवरीथिंग इज पॉसिबल सब कुछ पॉसिबल है ऑन द बेसिस ऑफ वॉट वी हैव स्टडी टिल नाउ दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू